अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज मैं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्लास नंबर 6 लेके आया हूं। तो सिंपली आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता चलूं कि लास्ट क्लास में हमारा एडिटिंग का पोर्शन कंप्लीट हो गया था, मतलब कि हमारा होम पूरा कंप्लीट है और सिंपल। उसके बाद हमारे पास इंसर्ट का ऑप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेरे पास टेबल्स का ऑप्शन है, मैं इस पे क्लिक करूंगा और हमारे पास यहाँ पे एक मेन्यू बॉक्स खुल जाएगा। सिंपली मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ कि कहाँ पे मेरा टेबल जो सा वो इंसर्ट हो, और सिंपल मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ। तो सिंपल यहाँ पे माई टेबल हैज हेडर, इस पे चेक लगाएंगे तो हमारा हेडर आ जाएगा, अगर अनचेक करेंगे तो हमारा हेडर नहीं आएगा। सिंपल मैं यहाँ पे ओके करूँ और आप देखेंगे मेरा एक टेबल जितनी मैंने सिलेक्शन की थी यहाँ पे आ गया, और सिंपल मैं यहाँ से इसका स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ। सिंपल हमने ये टेबल के डिजाइन को भी कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लासेस में, अगर आपने नहीं देखी तो पहले वो देख लें। सिंपल उसके बाद मेरे पास यहाँ पे इलस्ट्रेशन का ऑप्शन है, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास इलस्ट्रेशन का ऑप्शन है, सिंपल मैं इस पे क्लिक करूंगा और मेरे पास डिफरेंट टाइप के ऑप्शन आ जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारे पास ये शेप्स, स्मार्ट आर्ट, ऑनलाइन पिक्चर्स, पिक्चर्स का ऑप्शन बाहर होता था इंसर्ट में, लेकिन यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन की हाइडिंग है और उसमें सारे हमारे पास टूल्स आ जाते हैं। सिंपल ये वही टूल्स हैं जो हमने एक्सेल वर्ड में हमने देखे थे। सिंपल मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ और पिक्चर्स को मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। सिंपल ये मेरा जो ऑफलाइन पिक्चर्स है मैं उनको इंसर्ट कर सकता हूँ और यहाँ से एक पिक्चर मेरी इंसर्ट होगी। और एज इट इज जिस तरह के वर्ड में पिक्चर्स का फॉर्मेट था, यहाँ पे भी पिक्चर्स का फॉर्मेट आ जाता है, इसको हम बाद में देखते हैं। उसके बाद इंसर्ट में मेरे पास यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर्स का ऑप्शन है, सिंपल मैं इस पे क्लिक करूंगा और अपनी ऑनलाइन पिक्चर्स को मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। सिंपल मैं यहाँ से ब्राउज कर सकता हूँ वन ड्राइव पे और यहाँ पे बिंग इमेज सर्च भी कर सकता हूँ, और सिंपल मैं यहाँ पे एनिमल्स सर्च कर रहा हूँ और एंटर प्रेस कर रहा हूँ, और लोडिंग के बाद यहाँ पे मेरे पास एनिमल्स की पिक्चर्स आएंगी। सिंपल यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट टाइप के एनिमल्स आ गए, मैं यहाँ से इसको इंसर्ट कर रहा हूँ और सिंपल यहाँ पे डाउनलोडिंग होगी और मेरी यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट हो गई। ये ऑनलाइन थी और पहले वाली जो कि है वो ऑफलाइन थी, वो मेरे पीसी से आई थी और ये वाली मेरी ऑनलाइन इंसर्ट हुई, और एज इट इज उसका भी फॉर्मेट आ गया। सिंपल मैं अगर इसकी सिलेक्शन करूँ फॉर्मेट में, इसका सबसे पहले ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड, मैं इस पे क्लिक करूँ और यहाँ से कीप चेंजेस, नहीं पहले इसकी मैं सिलेक्शन करूँ कि कहाँ पे मुझे कहाँ तक पिक्चर जो के चाहिए, और सिंपल मैंने इसकी इतनी सिलेक्शन की कि मुझे इतना पार्ट इसका चाहिए, कीप चेंजेस पे क्लिक करूंगा और आप देखेंगे मेरा बैकग्राउंड रिमूव हो गया। यहाँ पे अभी मिस्टेक भी नजर आ रही है, यहाँ पे आई के पास थोड़ी सी सिलेक्शन नहीं हुई, तो सिंपल हम यहाँ इस वे में बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद करेक्शन का ऑप्शन है, सिंपल शार्पन एंड सॉफ्टनेस का ऑप्शन है और नीचे ब्राइटनेस और कंट्रास्ट का ऑप्शन है। सिंपल मैं यहाँ से ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकता हूँ, तो सिंपल यहाँ पे मेरा इमेज एडिट सा हो गया। उसके बाद कलर्स का ऑप्शन है, सिंपल मैं यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट के भी ऑप्शन है और कलर टोन्स के भी ऑप्शन है। उसके बाद आर्टिस्टिक इफेक्ट, सिंपल यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट टाइप के इफेक्ट हैं और सिंपल मैंने एक इफेक्ट इस वाले पे क्लिक किया और ये इस पे इस इमेज पे अप्लाई हो गया। उसके बाद पिक्चर्स स्टाइल है, सिंपल हम डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स को दे सकते हैं। सिंपल अभी आप देखेंगे इसके एजेस पे शेडो आ गया। उसके बाद पिक्चर्स बॉर्डर, और सिंपल बॉर्डर पे मैं ये डार्क कलर चूज कर रहा हूँ और अभी आप देखेंगे कि बॉर्डर पे कोई कलर नहीं आया क्योंकि यहाँ पे मेरा साइज जो कि वो बहुत कम था, और सिंपल पहले इतना था और अब मैं इसको बढ़ा के इतना करूँ, तो सिंपल मेरे एजेस पे पिक्चर्स के एजेस पे एक बॉर्डर आ गया और यहाँ पे डैशेस भी आ जाते हैं मेरे पास डॉटेड लाइंस। उसके बाद फिर से पिक्चर इफेक्ट, सिंपली मैं सबसे पहले प्रीसेट का ऑप्शन है, मैं डिफरेंट टाइप के प्रीसेट्स मेरे पास आ जाते हैं
और मैं यहाँ से एक ये प्रीसेट दे रहा हूँ, उसके बाद शेडो है और सिंपल मेरा शेडो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। सिंपल मैं नीचे एक शेडो इसको दे रहा हूँ और उसके बाद रिफ्लेक्शन सिंपल, ये भी शेडो की ही तरह है, यहाँ पे पिक्चर रिफ्लेक्ट होकर नीचे आ रही है। उसके बाद ग्लो का ऑप्शन है, सिंपल मैं यहाँ से एक ये ग्लो दे रहा हूँ और बेवल भी मैं दे रहा हूँ। सिंपल बेवल मैं आपको इस पिक्चर पे लेकर दिखाता हूँ, तो यहाँ से मैंने एक ये बेवल दे दिया और अब आप देखेंगे इसके एजेस थोड़े से फ्रेम में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद मेरे पास 3D रोटेशन का ऑप्शन है, मैं इसको जिस तरह मर्जी रोटेट कर सकता हूँ। इसमें अब 3D इफेक्ट अप्लाई हो गया। उसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, क्रॉप और ये साइज के ऑप्शन एक्सेल में हमने देख लिए थे। तो उसके बाद इंसर्ट में मेरे पास ऑप्शन आ रहा है अगला शेप्स का। सिंपल मैं यहाँ से डिफरेंट टाइप के शेप्स ले सकता हूँ। यहाँ पे अब मेरे पास एक छोटा सा ट्रिक है, अगर मैं यहाँ से सर्कल ले रहा हूँ और सिंपल मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ और आप देखेंगे कि मेरा एक सर्कल इस शेप में आ रहा है। लेकिन अगर मैं कंट्रोल प्रेस करूँ और आप देखेंगे कि मैं अगर राइट साइड पे जा रहा हूँ तो उसकी लेफ्ट साइड भी इंक्रीज हो रही है, और मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ तो उसको ऊपर वाला हिस्सा भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसके ऑपोजिट भी इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं राइट में जा रहा हूँ तो लेफ्ट हो रहा है, नीचे आ रहा हूँ तो ऊपर वाला हो रहा है, तो ऑपोजिट भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से शिफ्ट प्रेस करूँ और आप देखेंगे इसके चारों एक्सिस जो कि वो इक्वल पार्ट में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं, और सिंपल यहाँ पे मेरा एक सिंपल सा एक पूरा सर्कल बन गया। लेकिन पहले हमारे लिए सर्कल बनाना काफी डिफिकल्ट था। उसके बाद मेरे पास यहाँ से स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन है, सिंपल मैंने ये वर्ड में भी हमने इसको देखा था। सिंपल मैं यहाँ से एक साइकिल ले रहा हूँ और ओके पे क्लिक कर रहा हूँ और इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ और स्टाइल भी मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ जिस तरह की मैं यहाँ से GFX लिख रहा हूँ। तो सिंपल यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप का डाटा यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ये हम तब करते हैं जब हमने कोई भी प्रेजेंटेशन बनानी हो। तो सिंपल उसके बाद यहाँ पे भी हमारे पास इसका डिजाइन है। सिंपल मैं यहाँ से ऐड शेप पे क्लिक करूंगा और आप देखेंगे यहाँ पे एक शेप ऐड होगी, और अगर मैं यहाँ पे बुलेट पे क्लिक करूंगा एक बुलेट आ जाएगा और उसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। सिंपल मैं इसकी सिलेक्शन कर रहा हूँ और यहाँ पे डाउन पे क्लिक करूँ और वो नीचे आ जाएगा, लेकिन अभी इसकी सिलेक्शन में मैं मूव अप पे क्लिक करूँ और वो ऊपर चला गया। उसके बाद यहाँ से फिर से कलर चेंज कर सकते हैं, हम स्मार्ट आर्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं और यहाँ से लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल डिफरेंट टाइप के यहाँ पे मेरे पास लेआउट्स हैं, मैं अभी डिटेल्स में नहीं जा रहा। उसके बाद फिर से मेरे पास स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, मैं इस पे क्लिक करूँ और स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन है, मैं इस पे क्लिक करूँ और सिंपल वो मुझे मेरे डेस्कटॉप पे ले आया। मैंने इसकी सिलेक्शन की और यहाँ पे मेरे पास एक इमेज आ गया। फिर से इमेज का फॉर्मेट फॉर्मेट हमने अभी भी देखा और वर्ड में भी देखा, और यहाँ इस तरह से हमारे पास इंसर्ट में इलस्ट्रेशंस और टेबल्स का ऑप्शन कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।